सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आज एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना रहे। मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि सहारनपुर में स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता लानी होगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि सहारनपुर की रैंकिंग स्वच्छता के मामले में लगातार सुधर रही है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, मेयर संजीव वालिया और समस्त पार्षद गणों के अलावा जिले के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री जी ने जहां खुली जीप में सवार होकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया, वहीं सैकड़ों स्कूलों के बच्चों ने भी एक रैली निकालकर जो है लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। शहरी विकास मंत्री खन्ना जी आ रहे हैं, इसी विषय में ये रैली निकाली जा रही है ताकि हमारा देश, हमारा हर क्षेत्र कूड़ा मुक्त हो और सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और हमारा देश तभी स्वच्छ होगा जब सभी लोग मिलजुल कर इसमें प्रयास करेंगे। देखिए, जो निगम भी अभी बना है और जो 10 सालों में नहीं हुआ वो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आम व्यक्ति को भी इस और थोड़ा सा ध्यान। ज्योति अग्रवाल, वार्ड 46, मोहित विहार। आज क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? आज माननीय हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं, आज वो उनका आगमन है सहारनपुर में। सहारनपुर में एक स्वच्छता अभियान को लेके, जैसे कि आप अभी पता है पूर्व में भी इससे पहले एक रैली का आयोजन किया गया था, तो एक स्वच्छता की और लेके चलते हैं ताकि हम लोग स्वच्छ रहे, हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ रहे, उससे गंदगी ना हो, आए दिन जैसे बीमारियां रहती हैं उससे बचाव हो सके, इस तरह का कार्यक्रम आज आयोजन किया गया है। माननीय महापौर जी संजय काले जी, उनके नेतृत्व में इस तरीके से कार्यक्रम आए दिन चलते रहते हैं और ऐसा नहीं है कि मंत्रियों के आने पे ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप लोग खुद देख सकते हैं पहले क्या स्थिति थी वार्ड की सफाई में और अब कितना परिवर्तन हो चुका है, किस तरीके की कितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे आ चुकी है जो हमारे कूड़ा का निस्तारण भी कर रही है। अन्य काफी योजनाएं हैं जिनको हम बना रहे हैं स्मार्ट सिटी। हमारे नगर विकास मंत्री जी का स्वागत करें। सुरेश खन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत। पीछे चले जाए ताकि कार्रवाई को प्रारंभ कर सके। मैं माननीय मंत्री महोदय श्री धर्म सिंह सैनी से रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी, सम्मानित महोदय और सम्मानित हमारे एसएसपी महोदय, मंच पर सभी नेतागण, सामने बैठे हुए भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं जनपद सहारनपुर में और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनपद सहारनपुर स्वच्छता में उत्तर प्रदेश में प्रथम आएगा, यह विश्वास के साथ तो दुनिया भर की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। इसलिए साथियों, में अधिक ने समय आपके बीच में व्यतीत करते हुए आपका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी का स्वागत करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद। राइडर्स को लाइसेंस और उनके परिचय पत्र दिए जाने हैं काजल अग्रवाल और सुनील कुमार गुप्ता। काजल अग्रवाल, बस ठीक है, थैंक यू। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय मंत्री आदरणीय श्री धर्म सिंह सैनी जी,
जागरूकता, आप लोगों की रुचि स्वच्छता के प्रति बढ़ने के कारण ही ये परिणाम संभव हुआ है। सेल्फ स्टार्ट हो एक काम आ रही है, कोई चाहिए अपने आसपास किसी हालत में गंदगी को भटकने न दे, और हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के रैलियां करके मीटिंग करके लोगों में जागरूकता पैदा करके एक माहौल बनाना चाहते हैं। 15 अगस्त को रक्षाबंधन और 15 अगस्त है, दोनों फेस्टिवल एक साथ पड़े, कैसे आप देख रहे हैं? इसमें किसी का कोई बस नहीं है, 15 अगस्त भी मनाएंगे और रक्षाबंधन भी मनाएंगे।